यहोवाई रे, तू सब कुछ देता है। यहोवाई रे, तू सब कुछ देता है। स्तुति करते हैं हम, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं हम, स्तुति करते हैं। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूँगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूँगा। स्तुति करते हैं हम, स्तुति करते हैं हम, स्तुति करते हैं हम, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं हम, स्तुति करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, यहोवा जायरा तो सब कुछ पूरा करता है, प्रबंध करता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम की महिमा और जयजयकार करते हैं। यहोवा शम्मा जो साथ में रहता है, यहोवा निस्सी जो हमें जय का झंडा देता है, यहोवा राफा जो हमें चंगाई देता है। प्रेज द लॉर्ड, यहोवा एल शड्डाई जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड खामा बारा शिखा नलरा रबा। पिता परमेश्वर धन्यवाद और महिमा और आदर के साथ हम तेरे चरणों में आते हैं, तेरे करीब आते हैं खुदा। और इस भोर के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम की महिमा और जयजयकार करते हैं, हम आपके नाम की बड़ाई और आपके नाम की स्तुति करते हैं खुदा, आपके नाम की महिमा करते हैं खुदा। इस भोर के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं जो तूने हमारे जीवन में दिया है। हम आपके उपकारों के लिए, आपकी भलाइयों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा और स्तुति करते हैं खुदा। पिता परमेश्वर इस समय में पिता परमेश्वर हम आपके नाम की जय जयकार और आपके नाम की बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप आदि और आप अंत हैं, आप अल्फा और आप ओमेगा हैं, आप जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर हैं मेरे प्रियो। इस भोर के लिए खुदा का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें, उस महिमा में परमेश्वर का आदर करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अपने दिन की शुरुआत करने से पहले प्रभु का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें, उस महान और जीवते खुदा का धन्यवाद करें मेरे प्रियो। मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है, वो हमारे जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। यहोवा इरे जो प्रबंध करता है, जो व्यवस्थाएं करता है, जो हमारे जीवन की परेशानियों को खत्म करता है, जो हमारे जीवन के एक एक तकलीफों को दूर करता है, यहोवा सब कुछ करने वाला। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु कहते हैं मैं तुझे ऊंचा करूंगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा, मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा, मैं तुझे घूरे पर से उठाकर चट्टान पर खड़ा करूंगा। प्रभु कहते हैं मैं समय समय पर तुझे आशीष दिया करूंगा, तू धन्य होगा तेरे नगर में, तू धन्य होगा, तू धन्य होगा सारे देशों से, तू धन्य होगा तेरे राज्य से। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु कहते हैं तुझे किसी से उधार लेना ना होगा, परंतु तू बहुत सारी जातियों को उधार देगा, तू बहुत से लोगों को उधार देगा और छित्रा देगा, लेकिन तुझ में कमी नहीं आएगी। प्रेज द लॉर्ड, तेरी आशीष में कमी नहीं आएगी मेरे खुदा, मेरे स्वामी। तेरे प्रेम के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद मेरे प्रियो। परमेश्वर पिता पर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, आपके जीवन से सारी परिस्थितियों को वो दूर कर सकता है,
आपके जीवन से सारी मुश्किलों को खत्म कर सकता है। प्रभु कहते हैं, मैं तुझे नीचा नहीं बल्कि ऊंचा ही करूंगा, मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा। प्रभु तू ऊंचे स्थान पर रखने वाला प्रभु है। सारी परिस्थितियों को बदलने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर पर विश्वास करें, खुदा पर विश्वास करें। वो खुदा है, वो परमेश्वर है, वो यहोवा पवित्र परमेश्वर है, वो सेनाओं का यहोवा पवित्र खुदा है। उस पर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए। प्रभु ने साफ कहा, मैं तुझे पूंछ नहीं बल्कि सिर ठहराऊंगा। उसने साफ कहा, तुझे किसी से उधार लेना ना होगा परंतु वह तेरी जातियों को उधार देगा। उसने साफ कहा, तू नीचा नहीं बल्कि ऊंचा ही किया जाएगा। उसने साफ कहा कि मैं तेरे आशीष दूंगा, मैं तुझे सारे कामों पर सफलताएं दूंगा। उसने साफ कहा कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। उसने ये साफ कहा कि मैं तेरी अगुवाई करूंगा। तेरे प्रिय, वो अपने ही आवाज से कहता, अपनी जुबानी से कहता है, मैं तेरे साथ हूं। ये कोई पास्टर की जुबान नहीं है, ये किसी विश्वासी की जुबान नहीं है, ये परमेश्वर पिता की जुबान है। और कहता है, मैं तुझे आशीष दिया करूंगा, और जिस काम में तुझे हाथ लगाना होगा उस काम में मैं तुझे आशीष दिया करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस मार्ग में तुझे चलना होगा मैं उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। तू नीचा नहीं बल्कि ऊंचा किया जाएगा। मेरे प्रिय, विश्वास करें, खुदा पर विश्वास करें, किसी पास्टर के ऊपर नहीं, इस विश्वासी के ऊपर नहीं, लेकिन परमेश्वर पिता पर विश्वास कीजिए। वो आपकी चिंताओं को दूर करेगा, आपकी बेरोजगारी और आपकी तकलीफों को दूर करेगा। मेरे खुदा, मेरे राजा, मेरे स्वामी, हम आपका धन्यवाद और शुक्रगुजारी करते हैं आज के वचन के लिए। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी गरीबी की अवस्था में प्रभु, उन्हें किसी से उधार लेना ना हो परंतु बहुतेरी जातियों को उधार देने वाले बन जाए, किसी के सामने हाथ फैलाने वाले नहीं बल्कि हाथ बढ़ाने वाले बन जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड रबा शंदा रबा नला रा थीना ला रबा। प्रभु, बेरोजगारी को खत्म कर, कर्ज को खत्म कर, चिंताओं को खत्म कर, वो छित्रा देने वाले बने, परमेश्वर उदारता से देने वाले बने। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु, तू दया कर, दया कर प्रभु, बहुत तेरी जातियों को उदारता से देने वाले बने। पिता परमेश्वर, कर्ज को खत्म कर प्रभु, विशेष करके उन बेरोजगार भाई बहनों को तू आशीष दे प्रभु, उनकी चिंताओं को, उनकी परेशानियों को, उनकी तकलीफों को आप दूर कर प्रभु। दया कर प्रभु, रहम कर प्रभु, आशीषित कर प्रभु, चिंताओं को दूर कर, कर्ज को दूर कर, बेरोजगारी को दूर कर, उन्हें जॉब दे, जॉब दे प्रभु, जॉब दे प्रभु। जिन्होंने अच्छे से तैयारी किया है उन्हें अच्छे से जॉब दे प्रभु, और जो अभी तैयारी करें प्रभु उन्हें भी अच्छे से जॉब दे प्रभु। दया कर प्रभु, सिलेक्शन लेटर आने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। धन्यवाद खुदा, तूने प्रार्थनाओं को सुना। जॉब करते उनके जॉब में प्रमोशन होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जितने भी बिजनेस करते हैं उनका बिजनेस दिन प्रतिदिन बढ़ने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। दया कर, रहम कर, और उन्हें जॉब दे प्रभु, परिस्थितियों को बदल दे प्रभु। यीशु के नाम से सारी परिस्थितियां बदल जाए, विशेष करके हमारे किसान भाई बहनों को ऊंचा उठा प्रभु, उनकी चिंताओं को दूर कर, उनकी गरीबी, उनके कर्ज को खत्म कर प्रभु, उन्हें किसी से उधार लेना ना हो पिता परमेश्वर, और किसी के सामने हाथ फैलाने वाले ना बने बल्कि पिता परमेश्वर सिर पर सिर्फ तेरे कदमों में आकर, तेरे चरणों में आकर परमेश्वर तेरे सामने हाथ फैलाने वाले बने, और बहुत से लोगों को पिता परमेश्वर उदारता से देने वाले बने, वो हाथ को बढ़ाने वाले बने प्रभु। दया कर प्रभु, यीशु के नाम से हमारे किसान भाई बहनों पर आशीष दे प्रभु। पढ़ने वाले बच्चों को अच्छे नंबरों से पास कर, फर्स्ट डिवीजन से पास कर प्रभु, यीशु के नाम से। धन्यवाद खुदा, आपने प्रार्थनाओं को सुना। आज जितने भी बीमारी की हालत में उन्हें उठाकर खड़ा कर प्रभु, सब प्रकार की बीमारी, कमजोरी, कष्ट, पीड़ाएं, पैरालिसिस की बीमारी, HIV एड्स की बीमारी, शुगर की बीमारी, कैंसर की बीमारी, मिर्गी की बीमारी, थायराइड की बीमारी, और जितने भी प्रकार की बीमारियां हैं सब कुछ खत्म हो जाए, सब प्रकार की बीमारी खत्म हो जाए, सब प्रकार के रोग खत्म हो जाए प्रभु। दया कर, दया कर, दया कर, रहम कर, आशीष दे प्रभु, उठा कर खड़ा कर, पैरालिसिस की बीमारी खत्म हो जाए,
टखनों में घुटनों में बल आ जाए, ताकत आ जाए, सामर्थ्य आ जाए, पवित्र आत्मा आ जाए, पवित्र आत्मा की ताकत आ जाए प्रभु यीशु के नाम से। खामा बा बा रा बा शंदा रीखा ना ला रा थी ना ला रा बा यीशु के नाम से छंगाई 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 छुटकारा प्रभु तेरे लोगों को उठा कर खड़ा कर प्रभु। अनाथुर विधवाओं का स्वामी तू है, उनके रक्षा करने वाले परमेश्वर आप हैं, उनके सुधि लेने वाले परमेश्वर आप हैं, उनका न्याय करने वाले परमेश्वर आप हैं, न्याय से पिता परमेश्वर छुटकाने वाले परमेश्वर आप हैं। यीशु के नाम सिखा बा 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 रा शिखा ना बा रा शिखा ना ला रा री बा ना ला रा 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 दा बा प्रभु तू दया कर रहम कर प्रभु आशीष दे प्रभु। सब अंधकार की शक्ति मिट जाए, शैतान की शक्ति मिट जाए, शैतान की योजनाएं खत्म हो जाए, सब प्रकार की बीमारी कमजोरी कष्ट पीड़ाएं खत्म हो जाए। जिनके पास औलाद नहीं है प्रभु ने औलाद दे प्रभु, गर्भ का फल तो तेरी ओर से प्रभु, तो आशीष दे प्रभु। जितने भी गुप्त बीमारी में हैं प्रभु उनको तो छूले और छंगाए दे छंगाए दे छंगाए दे छंगाए दे छुटकारा दे, अभिषेक से भर दे, अपनी सामर्थ से भर दे प्रभु यीशु के नाम से। गर्भ का फल तू दे प्रभु, बहनों को छूले और चंगाई दे आशीष दे पिता परमेश्वर, पति पत्नी को दोनों को आशीष दे प्रभु। यदि कोई गुप्त रोग है तो प्रभु यीशु के नाम से पति पत्नी के बीच में से बीमारी कमजोरी कष्ट पीड़ाएं खत्म हो जाए, उन्हें वंश दे प्रभु। जितने भी बहनें प्रेगनेंसी में प्रभु उन्हें आशीष दे प्रभु यीशु के नाम में। समय पर डिलीवरी होने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। जिन बहनों को ब्लीडिंग होती है या जिन बहनों को बच्चादानी खराब है या जिन बहनों की जो भी परेशानियाँ हैं प्रभु यीशु के नाम से दूर होने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। चंगाई दे छुटकारा दे अभिषेक से भर दे सामर्थ्य से भर दे प्रभु शक्ति से भर दे प्रभु। धन्यवाद खुदा आपने प्रार्थनाओं को सुना। उन परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिन परिवारों में लोग नशा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, वाद विवाद करते हैं, क्लेश फैलाते हैं, संकट फैलाते हैं, मुश्किलें फैलाते हैं प्रभु यीशु के नाम सुन के जीवन को बदल दे। लड़ाई झगड़ा ना करे, किसी प्रकार का नशा ना करे, किसी प्रकार के पिता परमेश्वर वाद विवाद ना करे, किसी प्रकार का संकट और क्लेश फैलाने वाले ना बने प्रभु यीशु के नाम से। तेरी दया में, तेरे अनुग्रह में, तेरे प्रेम में बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए यीशु के नाम से आशीष दे प्रभु। उन पति पत्नियों के जीवन को बदल दे जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, उन पति पत्नियों के जीवन को बदल दे जो साथ में नहीं रहते, उन पति पत्नियों के जीवन को बदल दे यीशु के नाम से प्रभु। दया कर प्रभु, पति पत्नी एक साथ रहे, एक दूसरे से प्रेम करे, एक दूसरे का आदर करे और परमेश्वर पिता वो तुझ में आगे बढ़े प्रभु। दया कर आशीष दे प्रभु। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ ओ पिता परमेश्वर, जितने भी लोग मन के भटकने वाले लोग हैं प्रभु यीशु के नाम से भटकने वाले ना बने प्रभु, वो विश्वासी कहलाए और परमेश्वर पिता तेरे बेटा और बेटी कहलाए। सिर्फ तेरे बेटा और बेटी नहीं बल्कि वो पवित्र समाज कहलाने वाले बन जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद खुदा आपने प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी जवान पिता शादी लायक हो चुके हैं प्रभु, उनका विवाह होने के लिए प्रार्थना करते हैं, सब प्रकार की बाधाएं रुकावटें खत्म हो जाए और रिश्ता होने के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। जितने भी कोर्ट कचहरी में फंसे हैं प्रभु, तेरे दास लोग, जितने भी तेरे लोग जो कोर्ट कचहरी में फंसे हैं प्रभु, उनको छुड़ा ले, बचा ले, सहायता और मदद कर प्रभु। और जितने भी तेरे सेवक लोग हैं प्रभु, तेरे दास लोग हैं प्रभु, जो आत्मा और सच्चाई से जो सेवा करते हैं उनकी सेवकाई को आप बढ़ाइए प्रभु। और जो तूने कलीसियाएं दी है उन कलीसियाओं के ऊपर अधोलोक के फाटक प्रभु कभी भी प्रबल ना होने पाए यीशु के नाम से। और जो दास जो तेरे सेवक कहलाते हैं, जो अपने आप को दास समझते हैं, जो अपने आप को तेरे सेवक समझते हैं और जो एक दूसरे से बुराई करते हैं, एक दूसरे का आदर नहीं करते हैं, एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, ऐसे पास्टर्स को, ऐसे तेरे लोगों को जीवन को बदल दे प्रभु। और यीशु के नाम से परमेश्वर पिता तेरे सच्चे सेवक तेरे अच्छे दास बनने पाए प्रभु, निकम्मे दास ना बने प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद खुदा आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। पूरा आदर इज्जत जलाल हम आप ही को देते प्रभु। जितने भी पिता परमेश्वर तेरे लोग सेवा करते उन्हें आशीष दे प्रभु। और पिता परमेश्वर जितने भी बेरोजगार है प्रभु, उनकी बेरोजगारी खत्म हो जाए, उनकी चिंता, उनकी टेंशन, उनकी मुश्किलें खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हम तेरे ही हाथों में समर्पित करना चाहते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु तूने प्रार्थनाओं को सुना। और जितने भी लोग घर बना रहे प्रभु, यीशु के नाम से उनका घर कंप्लीट हो प्रभु। उनकी चिंताओं को दूर करें, उनकी टेंशन को दूर करें, उनके पैसे कौड़ी का प्रबंध और व्यवस्था करें, समय पर उनका घर कंप्लीट हो जाए। पिता परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। इस बात के लिए पूरा पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं। सब बातें आपके हाथों में सौंपते हुए तूने प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और अब्दी नाम से मांगते हैं।
आमेन आमेन। जो कोई प्रभु पर विश्वास करता है प्रभु उसे आशीषित करता है और प्रभु कहता तुझे मैं आशीष दिया करूंगा और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। प्रभु आप सभी को बहुत अच्छे आशीष दे, प्रभु में खुश रहें, सबको जय मसीह की।